Welcome back, friends. I hope you like the explanation of first poem. अब हम पढ़ने वाले हैं The Laburnum Top by Ted Hughes. तो इसमें Ted Hughes बताते हैं कि चिड़िया आई, चिड़िया उड़ गई. ठीक है? शुरू करते हैं explanation word to word in Hindi. The Laburnum Top by Ted Hughes. तो यहाँ पर poet कहते हैं कि एक golden chain tree है, जो कुछ इस तरीके से उसकी golden chains होती है उस tree में. बहुत ही सुंदर ट्री होता है, येलो कलर का. द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. तो लेबनम टॉप जो है, जो कि ये पेड़ है, फिलहाल बहुत ही साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, और यहां पर कोई हलचल नहीं हो रही है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट एस एस. तो यहां पर दोस्तों जो एस एस का रिपीटेशन हो रहा है, और ऊपर वाली लाइन में भी जो साइलेंट और स्टिल में एस एस का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए यहां पर है पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन. सेप्टेंबर सनलाइट का मीनिंग यहां पर है ऑटम, समर और विंटर के बीच वाला सीजन, जब इस लेबनम ट्री की जो सारी लीव्स है वो पीली हो चुकी है और अब इसके सीड्स भी गिरने लगे हैं. टिल अ गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. तो गोल्डफिंच यहां पर एक बर्ड है जो कि पीले कलर की होती है, वो आती है एक ट्विचिंग चिरप के साथ. ट्विचिंग मतलब ऐसे कांपना. ये बर्ड्स स्टिल नहीं होती, ये इधर उधर देखती रहती है. तो इस तरीके से चिरप, चिरप मतलब उसकी आवाज. तो यहां पर दोस्तों पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ऑनोमेटोपिया. तो चिड़िया की चू चू को एक नाम दिया गया है चिरप. तो यहां पर इसीलिए पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ऑनोमेटोपिया. जब भी किसी भी आवाज को एक नाम दिया जाए तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है ऑनोमेटोपिया. अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट मतलब होता है अमेजमेंट. एट द ब्रांच एंड, तो अचानक से वहां पर अमेजमेंट होता है और पूरी हलचल होने लगती है उस ब्रांच के आखिरी में. देन स्लीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. तो यहां यह होता है दोस्तों कि जब एक गोल्डफिंच, एक चिड़िया, उस टहनी के अंत में आती है और देखती है कि यहां पर मेरा घोंसला है, जब इस घोंसले में इस चिड़िया के बच्चों को पता चलता है कि हमारी माँ आ चुकी है, तो ये हलचल करने लगते हैं, ये आवाज करने लगते हैं. तो ये जो एक घर है इसका, इस चिड़िया का जो घोंसला है, इसे कहा गया है मशीन. तो जैसे ही ये चिड़िया आती है तो ये पूरी मशीन शुरू हो जाती है, सबका चूचा चूचा शुरू हो जाता है. तो यहां पर स्लीक का मतलब है स्मूथ, एब्रप्ट का मतलब है सडनली, और यहां पर मशीन का मतलब है नेस्ट. तो इसका जो नेस्ट है वहां पर हलचल होने लगती है. ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. तो यहां पर फिर से चिटरिंग्स और ट्रिलिंग्स, तो ये जो चिड़िया के बच्चों की आवाज है और चिड़िया की आवाज है, उसे फिर से चिटरिंग्स और ट्रिलिंग्स कहा गया है. तो यहां पर है पोएटिक डिवाइस फिर से ऑनोमेटोपिया. ट्रेमर का मतलब है यहां पर दोस्तों फड़फड़ाना, शेक्स. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. यहां पर चिड़िया के पंखों की आवाज होती है और उसके शेक होने की आवाज होती है, और बहुत ही वॉयलेंट तरीके से ये चिड़िया और उसके बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हैं. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. तो इट यहां पर बोला गया है इस चिड़िया को. इंजन ऑफ हर फैमिली मतलब मदर ऑफ हर नेस्ट. तो यहां पर दोस्तों जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफर, क्योंकि यहां पर इंजन का इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है मदर के साथ में. शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. यहां पर दोस्तों स्टोक्स का मतलब है फीड्स, जो खिलाती है अपने बच्चों को,
देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फुदकते फुदकते ये उस टहनी के आखिरी में जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस। तो बार्ड फेस का मतलब है दोस्तों यहां पर उसके चेहरे पर बार्स है, मतलब कुछ निशान है, आइडेंटिटी मास्क। और अब ये जब बाहर निकलती है तो ये अपनी आइडेंटिटी दिखाती है। तो इस चिड़िया के फेस पर बार्स होती है, मतलब कुछ निशान होते हैं जिसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये एक गोल्ड फिंच बर्ड है। देन विद द इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स। तो विसल चिरप विस्परिंग्स यहां पर फिर से बताते हैं कि पोएटिक डिवाइस है ऑनोमेटोपिया। इरी का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेंज, अजीब। शी लॉन्सेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है यहां पर स्काई, और लॉन्चेस का मतलब है फ्लाई। तो ये बर्ड अब धीरे धीरे करते हुए ब्रांच एंड तक गई और इसने अपनी आइडेंटिटी दिखाई और ये वहां से उड़ गई। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से ये पूरा पेड़ शांत हो जाता है। सबसाइड्स का मतलब है तो जितनी भी फड़फड़ाहट थी, जितनी भी आवाज थी, वो सब शांत हो जाती है और ये पूरा ही पेड़ अब शांत हो जाता है। इस पोयम में दोस्तों बेसिकली बताया गया है कि चिड़िया आई हलचल हुई, चिड़िया गई हलचल बंद हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गोल्डफिंच उड़।